अब गाइस आजकल हमारे कम्युनिटी में आए दिन कोई ना कोई न्यूज स्कैम होता रहता है भाई, ये तो आजकल नॉर्मल सी बात हो चुकी है। बट आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक न्यूज स्कैम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी तक शायद ही सुना होगा भाई। एकदम यूनिक स्कैम है भाई, आप लोग ना इस वीडियो को जरा एकदम ध्यान से देखना एंड अच्छे से समझना। और गाइस अगर आप लोगों को अपने पैसे कटवाने से बचाने ना भाई, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को तो कंपलसरी देखना भाई, नहीं तो अगर आप लोग इस वीडियो को अच्छे से नहीं देखोगे तो शायद आपके साथ भी 3K का स्कैम हो सकता है भाई। हाँ भाई, ये मैंने एकदम सही बोला, आप लोगों के साथ भी भाई 3K रुपीस का स्कैम हो सकता है, यानी कि पूरे 3,000 रुपए का स्कैम भाई। ये कोई मामूली सी रकम नहीं है, तो आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में समझाने वाला हूँ स्कैम के बारे में। अब देखो, ये जो स्कैम है ना भाई, वो किसी के भी साथ हो सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पे ना सीन ही कुछ ऐसा होने वाला है। तो देखो स्टार्टिंग से बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। अब देखो ये जो चैट है ना, एकदम ध्यान से पढ़ना तुम लोग। तो यहाँ पे भाई लिखा हुआ है, बताइए ये जो पैनल है आपका है? तो भाई मेरा बंदा बोलता है नो। तो यहाँ पे भाई बंदा बोलता है, सर देखो जरा लिखा हुआ आ रहा है, एक बंदे ने भेजा है, GMR बैटल लिखा है, ठीक है। तो भाई मेरा बंदा बोलता है कि किसने भेजा? तो भाई उसने बोला कि आपका वर्क कर गया क्या? वो बोला यूजर नेम एंड पासवर्ड देगा 3K रुपीस में, ओके। तो भाई मेरा बंदा बोलता है कि उसका नंबर दो, फास्ट बोलो। तो भाई वो बंदा बोलता है कि सर उसने मना किया है, अच्छा उससे पूछा मैंने। तो मेरा भाई बंदा बोलता है कि बताओ भाई स्कैम है ये भाई, मतलब ये जो बंदा है ना पूरा का पूरा स्कैम है वो। फिर भाई वो बंदा मानता नहीं है कि क्या स्कैम है सर, बताओ मैं उससे पूछता हूँ। तो भाई मेरा बंदा बोलता है कि भाई आप उसका नाम बताओ, ठीक है बाकी सब हम देख लेंगे। तो मेरा बंदा बोलता है कि भाई जो लिंक है ना वो स्कैम है। तो भाई वो बंदा बोलता है कि क्या स्कैम है भाई मुझे बताओ, ठीक है। तो भाई मेरा बंदा बोलता है कि इसमें जो ID पास डालते ही ना आपका फोन स्कैम हो जाएगा। भाई जो यूजर है ना वो बोलता है कि सर आपका हुआ क्या? तो भाई ये बोलता है कि नहीं आप बस नाम बताओ। और फिर वो बंदा बोलता है कि भाई आप जब सही यूजर नेम एंड पासवर्ड डालोगे ना तभी जाकर ये वेबसाइट लोड होगा। तो मेरा बंदा बोलता है कि भाई आपके पास कोई प्रूफ है कि उसने आपको ये लिंक भेजा है? तो भाई वहाँ पे जो मेरा बंदा है ना भाई, जो कस्टमर सपोर्ट वाला, वो बोलता है कि भाई राहुल भाई ने पूछा। तो वो बोलता है कि भाई मैं राहुल भाई को ही बताऊंगा। तो मेरा बंदा बोलता है कि नहीं वो अभी बात नहीं कर सकते, आप मुझे फास्ट बताओ। तब जाके भाई वो बंदा ना भाई एकदम एंड में बताता है कि भाई उसका नाम तो नहीं पता है बट उसका नंबर है, एंड उसका नंबर देता है भाई, ठीक है। अब ये चैट तो तुम लोगों ने देख लिया, एंड भाई जरूरत पड़े तो भाई पॉज करके भी आप लोग पढ़ लेना अच्छे से चैट, ठीक है। आप लोगों को भरोसा ना हो तो भाई आप लोग अच्छे से चैट को पहले पढ़ना, एंड उसके बाद में अब आप लोगों को बताता हूँ स्टोरी आखिर है क्या। अब देखो आजकल ना बहुत सारे बंदे फ्री बैठे होते हैं भाई, मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं जो बेरोजगार होते हैं या फिर फ्री में ऐसे मतलब बैठे रहते हैं, तो उनका जो दिमाग है ना वो फालतू जगहों पे काम करता है, ठीक है। तो ऐसे ही भाई कुछ बंदे हैं जिनका दिमाग भाई फालतू जगहों पे चल रहा है, एंड वो लोग अभी कर क्या रहे, जितनी भी एप्लीकेशन है ना भाई, मेरी एप्लीकेशन या तुम्हारी एप्लीकेशन, किसी की भी एप्लीकेशन हो भाई, कोई भी फेमस एप्लीकेशन हो, उन एप्लीकेशन का जो एडमिन पैनल होता है ना भाई, उसका वो लोग ना भाई एक एडमिन पैनल जैसा वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है। एंड उसको कुछ इस तरीके से सेट कर रहे हैं कि जब आप उसमें रियल वाला आईडी पासवर्ड डालोगे ना, यूजर नेम एंड पासवर्ड वगैरह, तो वो ना भाई सब कुछ लोड कर लेगा, मतलब आप लोगों का जो रियल वाला जो एडमिन पैनल है ना उसके सारे के सारे डिटेल्स ना वो हैक हो जाएंगे एंड वहां पे चले जाएंगे उसके पास, उसको सब पता चल जाएगा, ठीक है। मतलब आप लोगों का टोटली जो है ना वो हैक हो जाएगा अगर आप लोग सही आईडी पासवर्ड डालते हो तो। अब वो हैकर जो है ना वो क्या कर रहे हैं कि भाई वो जो एप्लीकेशन के जितने भी यूजर है ना भाई उनके पास वो जा रहे हैं एंड उनको मैसेज कर रहे हैं, उनको मैसेज करके बोल रहे हैं कि अगर आप लोगों को इस एप्लीकेशन का एडमिन पैनल चाहिए, लाइक मतलब वो लोग जाके बोल रहे हैं कि GMR बैटल का एडमिन पैनल चाहिए, तो मैं आपको 3K रुपीस में दे सकता हूँ, मतलब एप्लीकेशन को मैं आपको 3K रुपीस में बेच सकता हूँ। फिर वो लोग लिंक वगैरह देते हैं बंदों को एंड उनको बोलते हैं कि GMR बैटल के किसी भी स्टाफ को नहीं बताना या फिर ओनर को मत बताना। एक्चुअली वो लोग चाहते हैं कि वो यूजर से ना वो जाके हमें बताए, मतलब स्टाफ को या ओनर्स को जाकर बताए, बट वो लोग उनको बोलते हैं ऐसा ताकि उनके दिमाग में ये बात आए एंड वो लोग जाकर भाई मतलब जो ऑनर है या फिर स्टाफ मेंबर से उनसे वो लोग जाकर पूछे कि भाई ये आपका एडमिन पैनल है, एंड जब भाई हमारे पास वो लिंक आए एंड हम जब उस पे लिंक पे क्लिक करें एंड भाई उस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आप लोगों को सेम ऐसा ही इंटरफेस देखने को मिलेगा जैसा कि तुम अभी देख सकते हो। तो भाई सेम इंटरफेस आए और भाई मतलब एक टाइम के लिए ना तुम भी जगमगा जाओगे भाई, तुम्हारा भी दिमाग नहीं काम करेगा, सेम इंटरफेस वगैरह देखने को मिलेगा एंड सेम यहाँ पे आईडी पासवर्ड मांगेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो जैसे ही वो स्टाफ मेंबर या फिर जो भी बंदा वहाँ पे सही सही आईडी पास डालेगा तो वो जो सारा का सारा डेटा है ना वो वहाँ से लीक हो जाएगा, मतलब कि स्टील हो जाएगा एंड उन बंदों के पास चला जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में वो बंदे यही चाहते हैं तभी वो लोग यूजर्स के पास जाते हैं एंड फिर वो यूजर्स 3K रुपीस ले लेते हैं एंड उनका भी स्कैम कर लेते हैं, एप्लीकेशन का भी स्कैम कर लेते हैं, ठीक है। अगर एप्लीकेशन का स्कैम नहीं कर पाते, एप्लीकेशन वाले समझदार होते हैं, अगर वो लोग बच जाते हैं तो वो लोग ना भाई किसी ना किसी यूजर को चूना लगा के भाई 3K रुपीस ले लेते हैं एंड लेके भाई उनको ब्लॉक कर देंगे, फिर उसके बाद निकल लेंगे भाई। ऐसा ही सेम केस हमें देखने को मिला है भाई, हमारा जो डेवलपर है ना भाई उसने पर्सनली हमें मैसेज करके अलर्ट किया भाई, जैसा कि तुम देख सकते हो। तो स्टे
सेफ, स्टे अलर्ट। भाई उस बंदे ने भाई हमें डीएम करके बताया कि ऐसा केस आ चुका है, तो आप लोग भी सेफ रहना। और भाई जस्ट उसकी सुबह ही भाई हमारे साथ ये इंसिडेंट हो गया। एंड भाई हमारा कस्टमर सपोर्ट वाला बंदा आके हमें ये सारी चीजें बताया। एंड ये जो आप लोगों ने चैट्स पढ़ा ना, उसने ही भाई हमें भेजा। अब देखो ये जो स्कैम है ना भाई, बहुत ही दिमाग लगा के किया जा रहा है भाई। मतलब कोई भी बंदा ना भाई जगमगा जाएगा, किसी का भी दिमाग नहीं काम करेगा। आप लोग जब उस लिंक पे क्लिक करोगे ना भाई, ये जो एडमिन पैनल का लिंक होता है ना, उस पे क्लिक करोगे तो सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा, एकदम हूबहू सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को धोखा नहीं खाना है भाई, रियल वाले लिंक पे ही क्लिक करना अगर आप एक एप्लीकेशन के ऑनर हो तो। आप लोग ये बातों को ध्यान रखना। एंड अगर आप एक यूजर हो तो भाई आप लोगों का 3K रुपीस बच सकता है। बस आप लोग ये जो फ्रॉड मैसेजेस है ना, उनसे दूर रहना। एंड किसी भी लिंक पे क्लिक करके भाई उनको पैसे वैसे मत देना भाई, लिंक वगैरह किसी भी चीज के लालच में आके ना भाई पैसे मत देना भाई। बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ किसी को भी भाई। सो स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट भाई। मेरा काम था तुम लोगों को भाई अलर्ट करना। सो आप लोग ना भाई खबरदार रहना भाई ऐसे स्कैमर से, क्योंकि ऐसे स्कैमर ना बहुत घूम रहे भाई। तो आप लोगों को बस सेफ रहना। एंड अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा केस होता है ना, तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे आके बिंदास बता सकते हो भाई। तुम लोग भाई आकर मुझे बिंदास बताओ भाई, मैं एक्शन लूंगा, ठीक है। एंड भाई ये सारे के सारे सेम केसेस मैंने एक दो देखे ना, इसीलिए भाई मैंने इस चीज पे वीडियो बनाई। मैंने सोचा कि भाई आप लोगों को अलर्ट कर देना चाहिए भाई, क्योंकि भाई मेरे एक अलर्ट से ना किसी का 3K रुपीस बच जाएगा भाई। 3K नहीं तो भाई 2K रुपीस तो आराम से बची जाएंगे भाई, क्योंकि वो जो स्कैमर है ना भाई भारी रकम ही मांगते हैं 2K 3K 5K एप्लीकेशन का लालच देके। तो आप लोगों को लालच में नहीं आना है एंड अलर्ट रहना है। आप लोगों को किसी भी फेक लिंक पे क्लिक नहीं करना है भाई। आप लोगों को जो डेवलपर ने लिंक दिया है उसी लिंक पे क्लिक करके लॉगिन करो, बाकी किसी भी अदर ऐप लिंक पे क्लिक नहीं करना है। जल्दबाजी नहीं करना है आप लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है। तो स्टे सेफ एंड स्टे अलर्ट गाइस। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।